वही गाना हारमोनियम या फिर स्टेज पे गाने का वक्त आता है तो उनको बहुत ऊंचा लग रहा है, श्याम तन्हा श्याम 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 ऐसे करते हैं। लेकिन जब वो गाते रहते थे तब वो स्केल का कोई झंझट नहीं था। ये क्यों होता है? नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। अब तक के वीडियो में जितना भी राज खोलने का है मैंने सब आपके सामने खोला है। आपको वो समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया है। तो बार 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 आप लोग पूछते हैं ऊँचा कैसे गाए, ऐसा कैसे गाए, खर्च क्रिया सही टेक्निक मालूम होना चाहिए। वो टेक्निक पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब बात करते तो बात हम कंठ के ऊपर जो आवाज़ निकलती कंठ से और शब्द पूरे मुंह से निकलती है उसके लिए हम इतना तो वेयर कर सकता है गला कि हमारा आवाज़ गले से निकलता है, लेकिन गाते वक्त स्वरों का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है, ऊपर के रेंज में नीचे के रेंज में जाता है। तो उसको भी हम कंठ के ऊपर रख के अगर गाते हैं तो नेचुरली हमारा गला खराब हो सकता है। लेकिन जब तक तुम्हारी मतलब मसल्स में जान है, वो स्टिफनेस है, तब तक तुम गला को सहन भी कर सकेगा, बेयर भी कर सकेगा। लेकिन आफ्टर 50, आफ्टर 45, उसके बाद में 55, उसके बाद में आपका गला मसल्स लूज पड़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद में गले से गाते वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कफ की शिकायत, बहुत से गायकों को संगीत में 99% गायकों को कफ की शिकायत होती है। अब कब क्यों तैयार होता है? क्योंकि गले को आप स्ट्रेस देते हो, उसके बाद में लुब्रिकेशन करने के लिए नेचर अपना काम करता है तो कब की शिकायत होती है। तो गले का उपयोग करना है। तो जब गाते हैं तो आवाज का निकालने का एक स्पेशल तरीका है, एक जगह है, वो जगह ही तैयार करने के लिए मैं आपको बार बार एक एक राज की बात खोल रहा हूँ। हम हर आदमी की हर व्यक्ति की गाने अगर सुनते हैं तो हमारी आवाज 50% हमको तो भी लगता है कि हम उसके जैसे गा रहे हैं, हालांकि सामने वाले को नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है कि रफ़ी साहब का गाना सुन ले तो रफ़ी साहब जैसी आवाज़ हमारी निकलती है, किशोरदा का सुन ले तो किशोरदा जैसी निकलती है। हर व्यक्ति का गाना हम सुनेंगे उस तरीके से हमारी आवाज़ कॉपी करने का हमको एक पैदाइशी एक नुस्ख ऊपर वाले ने दिया है। ये सब चीज़ हमारे अंदर होते हुए भी हम वो चीज़ वहाँ पे ऊपर की आवाज़ ऊपर की आवाज़, अब रफ़ी साहब का स्केल बहुत ऊंचा था, किशोरदा का स्केल ऊंचा था, उसमें हम लोग आवाज़ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब आप घूमते फिरते या कोई रेडियो के साथ में गाते हुए साथ में गाना गाते हो तो आपको आप गा सकते हो, आपकी आवाज़ उसमें मैच होती है। आपने गौर करना चाहिए, आपने ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप गाने को बैठे और स्केल लिए तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे मैंने बहुत से मेरे स्टूडेंट देखे हैं कि जो साथ में रेडियो चल रहा है और वहाँ गाने गा रहे हैं, तो शाम तन्हाई की है आएगी मंदिर कैसे चल रहा है उनका बड़ी ऊंची स्केल में, तो उनको कोई स्केल में दिक्कत नहीं आती। अब दिक्कत नहीं आती, गा भी लेते हैं, लेकिन जब वही गाना हारमोनियम या फिर स्टेज पे गाने का वक्त आता है तो उनको बहुत ऊंचा लग रहा है, श्याम तन्हा श्याम 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 ऐसे करते। लेकिन जब वो गाते रहते थे तब वो स्केल का कोई झंझट नहीं था। ये क्यों होता है? ये काम साइकोलॉजी होती है। आप गा सकते हो, आप ऊंचा ले जा सकते हो, लेकिन उसका टेक्निक है। जब वो गाना शुरू है तब आप टेक्निक की तरफ ध्यान नहीं दिए हो, देखो आप फुल थ्रोटेड नहीं गा रहे हो, उसके साथ में आवाज मैच कर रहे हो और मैच करते वक्त आप नेचुरली आपकी आवाज को उसके आवाज़ से कम रखते हो तो ये आपकी आवाज़ वहाँ से मैच हो रही है। इसका ही मतलब मुझे ये बताना है कि जब ऊपर की आवाज़ आप लगाते हो तो आवाज़ आपको बारीक और शार्प करना पड़ता है। अगर उस आवाज़ को आपने जोरदार स्ट्रोक से अगर थ्रो किया तो आपका गला खराब हो सकता है और आवाज़ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो नेचर भी क्या कहता है कि ऊपर की चीज़ जो है वो छोटी बारीक पतली और दूर नज़र आनी चाहिए। दूर से आवाज़ जब आती है तो वो भी ऐसी छोटी होकर बड़ी आती है। आप ये सब चीज़ नेचर से सीखो,
जब ट्रेन आ रही, इधर आपकी एक ट्रेन जा रही है उदाहरण देता हूँ, और दूसरी उधर से ट्रेन आ रही है, तो ये चीज तो स्केल का भी फर्क पड़ता है और साउंड का भी फर्क पड़ता है। जो ट्रेन आती है वो ऐसी यूं ऐसी आती है, तो आवाज भी वो यूं तरीके से आता है। तो इसको अगर तुम खड़ा सोचो ऐसा करके, तो ये पिरामिड बन गया। तो ऊपर की आवाज आप सीधी यहां पे, नेचर ने भी बताया, शास्त्र ने भी बताया कि साय 240 है, तो ऊपर का 480। वाइब्रेशन जब ज्यादा बढ़ गया है तो आवाज ऊंची चली गई है। अब ऊंची गई है तो थिकनेस उसका कम हो गया। 5 फीट का आदमी मोटा गिड्डा लगता है, लेकिन वही अगर दुबला पतला रहा तो ऊंचा लगता है। लगता है, होता नहीं है, मैं बार बार बोला हूं। 300 फीट का हवाई जहाज ऊपर 3 फीट का लगता है, होता नहीं है। नेचर को समझो, और आवाज हम भी नेचर का पार्ट है, तो आवाज को भी उसी तरीके से तुम उपयोग में लाओ जिस तरीके से वो असरदार और तुमको कोई तकलीफ ना होते हुए काम करे।